thank you और गुरुमा चलिए अब दूसरा जो है इसी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है हमारा आ ये जो सूर्य ग्रहण होगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहने वाला है क्योंकि आपने उनकी कुंडली को भी बहुत ध्यान से देखा आप उनके व्यक्तित्व से भी बहुत प्रभावित हैं तो मोदी जी के लिए सूर्य ग्रहण कैसा रहने वाला है मेरे हिसाब से उनके लिए मैं प्रेडिक्शन तो आपको कर रही हूं लेकिन इस प्रेडिक्शन की मैं आ, तो हंड्रेड परसेंट नहीं बोलती लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो मेरे मुख से गणपति या सरस्वती जी वास करके बोलेंगे यह ग्रहण उनके लिए काफ़ी लाभदायक है धनेश में बैठा हुआ है और uh, मतलब उसमें छः ग्रह उस दिन मतलब चंद्रमा भी उसी दिन वहीं पर ही है तो इनके लिए बहुत लाभदायक है राज्य कार्य में ये फतेह करेंगे और मैं आपके चैनल पर ये प्रडिक्शन पहले भी कर चुकी हूँ इनके बारे में शायद आपने मेरी सुनी भी होंगी और आपको मालूम भी होगा कि जो भी मैंने इनकी प्रडिक्शन की थी मेरे हिसाब से सरस्वती ने और गणपति जी ने 100 परसेंट उसको एक्यूरेट किया है तो मैं कोई भी भविष्यवाणी अपने आप से नहीं करती मुझे इतना पता है कि कोई अदृश्य शक्ति होती है जो ये आके जीवा पे बैठती है और इसकी प्रडिक्शन करती है तो गुरु ये बताइए कि जो सूर्य ग्रहण वैसे तो इस सूर्य ग्रहण को लेकर के बहुत चर्चाएं है कि ये बहुत अशुभ है और एक राशि में धनु राशि में इतने ग्रहों का आना वो भी अच्छा नहीं बताया जा रहा है फिर मोदी जी के लिए ये कैसे अच्छा रहेगा देखिए मोदी जी के लिए आप सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उनके अः दो तीन चार उनके कर्म स्थान का मालिक मतलब वो ग्रहण के अंदर आया हुआ है कर्म उनका बहुत अच्छा होगा दूसरा उनका जो उस राशि का चंद्रमा है वो भी उसी ग्रहण के साथ में है और जो इनका शनि है जिसने इनको प्रधानमंत्री पद तक ऊंचे तक पहुंचाया और लोगों में हर हर मोदी घर घर मोदी हर हर मोदी के नारे लगवाए वो भी शनि नहीं लगवाए और उसी ग्रहण के समय में सूर्य इनके उसी स्थान पे है और मेरे जो प्रडिक्शन है उसके हिसाब से मोदी जी का ग्रहण का समय बहुत बढ़िया जाएगा और ये साल जो 2020 है मोदी जी के लिए आप देखेंगे जहां जहां भी चुनाव होगा मोदी जी का नाम होगा चौबीस जनवरी से जैसा कि शनि ग्रह अपनी दिशा बदल रहे हैं तो उसको लेकर के आपका क्या आकलन है ये शनि का जो परिवर्तन है राशि परिवर्तन ये मोदी जी के लिए कैसा रहने वाला है इनके पराक्रम में शनि आ रहा है अपनी राशि में शनि आ रहा है अपने घर में तीसरे घर में शनि आ रहा है इनकी बुद्धि बड़ी चतुर रहेगी और अपने बुद्धि से जो भी ये निर्णय लेंगे बहुत बढ़िया लेंगे और इनका भाग्य का सितारा बुलंदी पे जाएगा और विदेशों के तो इनको देखिए इनके काम है ही और इनको देश विदेश से बिजनेस लाना ही लाना है तो उसमें ये देश विदेश के काफ़ी कंपनियां जो हैं इनके मतलब चौबीस छब्बीस जनवरी के बाद इनके साथ संपर्क करके हमारे देश में बिजनेस को आगे काफी बढ़ाएंगे ये पराक्रम को बढ़ाएंगे लेकिन अभी अगर जीडीपी देखा जाए तो जो ग्रोथ स्तर होना चाहिए वो पिछले वर्ष के अनुपात में कम हो गया है मंदी का भी आप दौर देख रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी पोजीशन को आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे देख सकते हैं देखिए ये मंदी का जो और जो आप ये जीटीपी वगैरह बता रहे हैं मैं उस बात के ऊपर नहीं अगर आप इनका वैसे अगर आप पूरी ग्रोथ देखें वो काफी स्ट्रांग है ग्रोथ इनकी काफी स्ट्रोंग है लेकिन अब देखिए जैसे अभी कह रहे हैं प्याज बड़ा महंगा हो गया टमाटर पीछे बड़े महंगे हो गए ये तो मौसमी मौसम के हिसाब से या बरसात के हिसाब से अब आप देखिए कभी बरसात हमारी इतनी लंबी चली नहीं जितनी हमारे यहाँ पे बाढ़े आए या जितना हमारा मौसम खराब हुआ तो ये मंदी का दौर उस हिसाब से हमारा चला बाकी ये नहीं कि लोगों लोगों की इनकम कम हुई है या लोगों ने कमाना छोड़ दिया है या लोगों ने काम नहीं किया है ग्रोथ हमारे अंदर से स्ट्रांग हो रही है कई इंसान होते हैं दिखा के पैसा खर्च करते हैं और कई इंसान होते हैं जो मुट्ठी बंद करके अपने पैसा हो करते हैं तो ये हमारी ग्रोथ जो पहले बिगड़ी हुई थी उसको ये काफी सुधार रहे हैं और काफी इसको ऊंचाई पे ले जा रहे हैं और आप 2020-21 में देखेंगे 22 में देखेंगे क्योंकि जब ये 2014 में आए थे तो ये इन्होंने काफी मतलब डाउन वाली स्थिति को संभाला था तो संभालते संभालते ये मतलब अभी इस स्तर पे आए हैं लेकिन उससे कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ देखिए आप सरकारी पेंशन का भी सबको फायदा हो रहा है गांव में हर किसी को गैस का फायदा हो रहा है शौचालय सबको बनवा के दे रहे हैं और अगर ये मंदी इतनी है तो ये सारे कार्य कैसे हो रहे हैं कितने किसानों के कर्ज माफ हो रहे हैं तो ये पैसा जो हमारा ग्रोथ का है जो हमारा पैसा वहां लग रहा है तो जब ये सारा चीज़ हमारी बैलेंस हो जाएगी उसके बाद ग्रोथ निखर के हमारे पास आएगी हमारे पास ग्रोथ आएगी और जब ग्रोथ आएगी तो उस जनता भी 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 देखेगी आप देखोगे हम भी देखेंगे और अखंड मंथन भी देखेगा अभी ब्रिटेन के एक साइकिक एक्सपर्ट हैं उनका प्रसारण भी हमने किया है उन्होंने क्रेग हेमिल्टन नाम है उनका क्रेग हेमिल्टन का ये कहना है कि मोदी भारत को एक नया भारत बनाएंगे और इकोनॉमी का एक नया मॉडल बनाएंगे रोल मॉडल बनाएंगे जिसको दुनिया बाद में फॉलो करेगी आपको क्या लगता है कि ये समय भी अब इक्कीस के तकरीबन आपको ये 20 के बाद शुरू होगा ये 20 के बाद शुरू होगा देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सबसे बड़ी क्या बात है जब भारत को पहले सोने की चिड़िया कहते थे ठीक है तो आज भी भारत हमारा सोने की चिड़िया बनेगा क्योंकि देखिए इन्होंने 370 वाला आ, मामला किया अयोध्या वाला मामला इन्होंने किया तीन तलाक वाले मामले इन्होंने किए तो अब आप देखिए जब जो भी स्टेप जो हमारे सत्तर साल साठ साल से रुके हुए थे वो सारे हमारे पटरी पे आ रहे हैं तो ऐसी ग्रोथ भी हमारी पटरी पे आएगी और जिस वक्त ये हमारा एक मॉडल बन जाएगा तो उस मॉडल को देखने के लिए बाहर देशों के लोग हमारे पास आएंगे और आके देखेंगे कि ये वही भारत है अब एक समय आएगा कि इसको भी सोने की चिड़िया दोबारा कहा जाएगा मैंने मैंने बहुत मतलब बड़े बड़े उनके पढ़े हैं जो बड़े बड़े हमारे संत थे उनकी मैंने बहुत बहुत बड़ी भविष्यवाणियां पढ़ी थी कि एक संत आएगा और वो आके देश को बदल के रख देगा तो ये संत वही संत हैं कि जो हमारे देश को क्योंकि जब भी कोई चीज हम नया काम करने लगते हैं मुश्किल तो आती है जब हम अपना घर भी बनाते हैं या देखिए किसी की मैरिज होती है तो मैरिज के बाद लाइफ को सेटल करने के लिए लड़की को थोड़ा टाइम लगता है तो उसी प्रकार से इनको पहले चार साल पांच साल सेटल करने में लगे अब हमारी जो ग्रोथ है ये इन चार सालों में हमारी ग्रोथ आपको भी नजर आएगी हमें भी नजर आएगी और जनता को भी नजर आएगी कुछ ज्योतिषियों ने ये भी कहा है कि मोदी जी पर मार्केश की दशा भी चल रही है चल, आने, वाली। आने वाली है हाँ। तो तो इसका तो बहुत घातक असर हो सकता है नहीं इनका इनके जो आप कह रहे हो इनका जन्म का जो शनि है वो अच्छा है तो जब जन्म का शनि अच्छा हो तो मार्केश के समय में इंसान को होर तंदुरुस्त बनाता है उसको होर ताकतवर बनाता है और अगर मार्केश का समय अगर हमारा जो, जो भी ग्रह हमारा मार्केश का होता है कईयों का चंद्रमा होता है मार्केश तो वो दो ढाई दिन में ही मृत्यु तुल्य कष्ट देता है किसी का बृहस्पति होता है वो तेरह महीने में मृत्यु तुल्य कष्ट देता है लीवर से पेट से लंग से इस, इस हिसाब से लेकिन इनका मार्केट शनि ऐसा नहीं है कि जो इनको मृत्यु तुल्य कष्ट भी नहीं देगा इनको मृत्यु तुल्य कष्ट भी नहीं देगा कि इनको मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाए अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ देखो सुषमा स्वराज जी कैसे चली गई उनको तो कोई मार्केश नहीं चल रहा था वो तो अचानक चली गई अच्छा जेटली जी को मार्केश चल रहा था तो वो मार्केश की ये टाइम में गए लेकिन इनका जो शनि है इसके इनके शनि ने इनको राज ठाट पाठ सब दिया नाम दिया देश विदेश में इनका नाम दिया तो देश विदेश में नाम किसका होता है जिनका शनि बलवान होता है तो इनका शनि बलवान है इनको होर भी नाम फे मिलेगा और इनके अंदर होर ऊर्जा आएगी और ताकत आएगी लेकिन इनको मार्केश मृत्यु तुले कष्ट इनको जुकाम भी नहीं होगा गुरु माँ अगर मोदी जी के ग्रह नक्षत्र इतने स्ट्रॉन्ग है इतने सशक्त हैं तो फिर क्या कारण रहा कि महाराष्ट्र में 105 सीट लेने के बाद ये सरकार बनाने से पीछे रह गए? देखो महाराष्ट्र में ना मुझे थोड़ा सा एक वहाँ पे ना पीएमबी बैंक का कोई चक्कर चला था तो जनता थोड़ी सी उखड़ गई थी और फिफ्टी लोगों ने वोट दिए और 44 परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिए तो लोगों के अंदर थोड़ा सा आक्रोश था और वो वोट देने बाहर आए नहीं अगर वो वोट देने आते तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी क्योंकि लोगों को थोड़ी सी नाराजगी ये थी कि भाई हमारा ये बैंक का मसला हल हो जाए क्योंकि उनके ऊपर तो आ, मुसीबत आई थी कि उनके बैंक का बिल्कुल खर्चे तक के लिए पैसे नहीं थे उनके पास तो उनको थोड़ी सी ये नाराजगी थी हम क्यों वोट दें किसको वोट दें पहले हमारा बैंक का मसला हल हो जाए तो हम वोट देंगे तो जब 44 परसेंट लोग वोट देने आए नहीं तो वो आप ये समझ लीजिए उसकी वजह से इनकी परसेंटेज कम हो गई और वैसे भी शिवसेना से गठबंधन को देख करके जनता ने वोट दिया था कि शिवसेना और ये बनाएंगे सरकार जनमत तो यही था जनता को नहीं पता था कि ये धोखा भी हो सकता नहीं देखिए ऐसे है वैसे तो आ, इनको मिली जुली अब सरकार बनानी नहीं चाहिए थी अगर हम हाथ पकड़ के आपने बच्चों का खेल देखा जब टांग पकड़ के उसमें कपड़ा बांध के दौड़ते हैं तो दोनों साथ गिरते हैं तो साथ खड़े होते हैं तो साथ तो इनका साथ ऐसा था लेकिन एनसीपी और कांग्रेस ने मिल किया वो तो दोनों मिलके रह गए अगर मान लो शिवसेना इनके साथ ना मिलती तो फिर फिर क्या होना था क्योंकि सिर्फ शिवसेना को गद्दी का मोह था और कोई मुंह नहीं था सिर्फ वो इसी मुंह में मतलब इनके साथ मिली है नहीं तो आज से बीस साल ठाकरे साहब कभी नहीं मिले बाला साहब ठाकरे ने कभी इनसे मिले राज ठाकरे कभी नहीं इन लोगों से मिले तो लेकिन क्या कहते हैं कि जिसको गद्दी का मुंह आ जाए तो फिर वो इंसान राजनीतिक एक ऐसे है मतलब मसला कि इसके अंदर बाप बेटे को नहीं देखता और चाचा भतीजे को नहीं देखता तो आपने देख ही लिया था गद्दी के अंदर अजीत पवार जी कैसे मतलब डीपी की सीट के लिए अलग हो गए थे मतलब एक प्रकार से तो ये एक राजनीतिक ऐसा मोड़ है कि इसके अंदर कोई किसी का भी सगा अपना नहीं होता सबको गद्दी का लालच होता है ये इतना मोह है ना राजनीति के अंदर और इसके अंदर जब आदमी गिरता है तो बहुत बुरी तरीके तो से गिरता है चढ़ता है तो बहुत ऊंची कला से चढ़ता है तो गुरु माँ इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका